विधायक दिव्या मदेना पर हमले के बाद सरकार ने वायुश्रेणी की सुरक्षा दे दी है। राज्य विशेष शाखा के उप महानिरीक्षक ने आदेश जारी कर दिए हैं। 2 महीने की अवधि के लिए वायुश्रेणी की सुरक्षा दी गई है। दिव्या मदेना ने हमले की शिकायत प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी की थी, साथ ही सरकार से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई थी। दरअसल जोधपुर में ओसिया विधायक दिव्या मदेना पर हमला हो गया था। यह हमला भोपालगढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मतदान के दौरान हुआ, तब विधायक की गाड़ी के कांच फोड़े गए। आरोप बद्रीराम जाखड़ पर लगाया गया था। मामला इस कदर बिगड़ा कि पुलिस को लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ना पड़ा, जिसके बाद मदेना ने पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ पर आरोप लगाए थे। लेकिन क्या मुख्यमंत्री गहलोत ने सुरक्षा देकर दिव्या को अपने पाले में कर लिया है? क्योंकि दिव्या मानी जाती है राहुल गांधी ग्रुप की नेता और खुलकर करती है बयानबाजी। ऐसे में चुनाव से पहले ही गहलोत लगे हैं रूठे हुए विधायकों को मनाने में। विधायक दिव्या मदेना पर हमले के बाद सरकार ने वायुश्रेणी की सुरक्षा दे दी है। राज्य विशेष शाखा के उप महानिरीक्षक ने आदेश जारी कर दिए हैं। 2 महीने की अवधि के लिए वायुश्रेणी की सुरक्षा दी गई है। दिव्या मदेना ने हमले की शिकायत प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी की थी, साथ ही सरकार से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई थी। दरअसल जोधपुर में ओसिया विधायक दिव्या मदेना पर हमला हो गया था। यह हमला भोपालगढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मतदान के दौरान हुआ, तब विधायक की गाड़ी के कांच फोड़े गए। आरोप बद्रीराम जाखड़ पर लगाया गया था। मामला इस कदर बिगड़ा कि पुलिस को लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ना पड़ा, जिसके बाद मदेना ने पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ पर आरोप लगाए थे। लेकिन क्या मुख्यमंत्री गहलोत ने सुरक्षा देकर दिव्या को अपने पाले में कर लिया है? क्योंकि दिव्या मानी जाती है राहुल गांधी ग्रुप की नेता और खुलकर करती है बयानबाजी। ऐसे में चुनाव से पहले ही गहलोत लगे हैं रूठे हुए विधायकों को मनाने में। विधायक दिव्या मदेना पर हमले के बाद सरकार ने वायुश्रेणी की सुरक्षा दे दी है। राज्य विशेष शाखा के उप महानिरीक्षक ने आदेश जारी कर दिए हैं। 2 महीने की अवधि के लिए वायुश्रेणी की सुरक्षा दी गई है। दिव्या मदेना ने हमले की शिकायत प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी की थी, साथ ही सरकार से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई थी। दरअसल जोधपुर में ओसिया विधायक दिव्या मदेना पर हमला हो गया था। यह हमला भोपालगढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मतदान के दौरान हुआ, तब विधायक की गाड़ी के कांच फोड़े गए। आरोप बद्रीराम जाखड़ पर लगाया गया था। मामला इस कदर बिगड़ा कि पुलिस को लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ना पड़ा, जिसके बाद मदेना ने पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ पर आरोप लगाए थे। लेकिन क्या मुख्यमंत्री गहलोत ने सुरक्षा देकर दिव्या को अपने पाले में कर लिया है? क्योंकि दिव्या मानी जाती है राहुल गांधी ग्रुप की नेता और खुलकर करती है बयानबाजी। ऐसे में चुनाव से पहले ही गहलोत लगे हैं रूठे हुए विधायकों को मनाने में।